गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड के अंदर फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट, तो फर्स्ट एड किट ये बहुत इम्पोर्टेंट किट होता है। और फर्स्ट एड किट के अंदर फर्स्ट एड किट प्राथमिक सहायता बॉक्स है ना, प्राथमिक सहायता बॉक्स जिसके अंदर फर्स्ट एड के अंदर कोई भी जैसे एक्सीडेंट हुआ है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, या कोई बर्न हुआ है, या कोई ऐसी सीरियस इलनेस कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन से उस कंडीशन के अंदर जब तब अपन हॉस्पिटल में ले जाते हैं, या हॉस्पिटल से पहले की कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो फर्स्ट एड होता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास के अंदर अपन डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट एड पढ़ा था कि शुरुआती कंडीशन के अंदर हाथों हाथ इमीडिएटली जो केयर दी जाती है जब तक कोई भी हेल्थ एक्सपर्ट टीम या हेल्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ता न पहुंचे, तो उस दौरान जो केयर की जाती है फर्स्ट एड कहलाता है। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं कि फर्स्ट एड किट के बारे में कि क्या होता है फर्स्ट एड किट, और इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन सी सामग्री इसमें रहती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट एड के बारे में। इट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी दैट इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स इज अवेलेबल इन द हाउस स्कूल हाई स्कूल टीचिंग इंस्टीट्यूट एंड व्हीकल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी टाइप ऑफ एमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसको रोकने के लिए फर्स्ट एड किट यूज़ किया जाता है। और देर इज़ सम ऑफ द थिंग्स इज अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स है उसके अंदर निम्न प्रकार की सामग्री उस फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये आएगा कि फर्स्ट एड किट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, लिस्ट कीजिए, है ना। तो फर्स्ट एड के अंदर अपन लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले ड्रेसिंग, पट्टी करना। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, पट्टी करना। तो ड्रेसिंग के अंदर जो बैंडेज या जो ड्रेसिंग करने से रिलेटेड जितने भी मटेरियल होते हैं उसको अपन गए फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या है, ट्राइंगुलर एंड सिलेंड्रिकल बैंडेज। तो ट्राइंगुलर त्रिकोणाकार और बेलनाकार जो बैंडेज होती है वो उस फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। उसके बाद में कॉटन रखना है। उसके बाद में फोर्सेप चिमटी, है ना, चिमटी। फोर्सेप का मतलब क्या हुआ, चिमटी। उसके बाद में है सेफ्टी पिन, जैसे अपने ड्रेसिंग किया तो उसके बाद में अपन क्या लगाएंगे, सेफ्टी पिन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में है सॉप साबुन हाथ धोने के लिए। उसके बाद में एंटीसेप्टिक क्रीम एंटीसेप्टिक पाउडर। उसके बाद में मेडिसिन ग्लास मतलब दवाई को मेजरमेंट करने के लिए ग्लास। ठीक है, उसके बाद में ग्लूकोज। उसके बाद में टॉर्च स्प्लिंट, जो खपसी होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है तो फ्रैक्चर हुआ है तो उसको खपसी का यूज करना। उसके बाद में किडनी ट्रे। उसके बाद में मैकिनटोज, जो ये प्लास्टिक आता है, तो मैकिनटोज कोई भी जैसे ड्रेसिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको नीचे बिछाएंगे। उसके बाद में नोटबुक या पेंसिल, जैसे कोई भी अपन क्या प्रोसीजर किया है तो उसको नोटबुक के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में थर्मोमीटर टेम्परेचर लेने के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन। ठीक है ना, बहुत सारी मेडिसिन है जो इमरजेंसी मेडिसिन अपन के फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो कौन सी मेडिसिन है, टेबलेट एंटेरोक्यूनोल। ठीक है ना, टेबलेट एंटेरोक्यूनोल होती है, ये लूज मोशन और डायरिया के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एंटेरोक्यूनोल होता है वो लूज मोशन, यूज लिख देना, लूज मोशन एंड डायरिया। दस्ते लूज मोशन हो रहे, लूज मोशन या डायरिया सेम ही है। ठीक है ना, तो दस्ते लगती हैं तो उसके अंदर यूज करना होता है। ठीक है ना, तो ये भी फर्स्ट एड किट में आपके रखनी होगी। उसके बाद में दूसरा टेबलेट है, जो टेबलेट एसीलॉक 300 mg। ठीक है ना, ये गैस है, एसिडिटी है या खट्टी डकार आती है तो उसके लिए है। ठीक है ना, तो ये गैस या एसिडिटी के लिए टेबलेट ऐसे लोग काम में लेते हैं। ये जितने भी जो दवाई है वो बीडी जा सकती है। ठीक है ना, सुबह शाम अपन दे सकते हो बीडी, दिन में दो बार।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है टेबलेट, सॉरी ये है इनो, इनो सासेट आपने देखा होगा, इनो आता है तो इनो है। इनो को अपने हाफ ग्लास के अंदर वाटर के साथ में मिला करके लेते हैं तो उससे एसिडिटी और गैस से रिलीफ मिलती है, ठीक है ना। एसिडिटी या जैसे बाहर का कोई खाना खाते हैं तो सूट नहीं करता है तो एसिडिटी हो जाती है या गैस हो जाता है, तो उसको उसके लिए इनो सासेट आपके पास में रखना होगा, ठीक है ना। टैबलेट नाइसेट, ठीक है ना, टैबलेट नाइसेट है, ये किसी भी प्रकार का पेन है, जैसे हेडेक है जिसे पेन, ठीक है ना, पेन जिसके अंदर हेडेक, हेडेक है, एनी बॉडी पेन, एनी बॉडी पेन, बॉडी पेन, या उसमें फीवर पेशेंट को आ रहा है तो उसमें दे सकते हैं, तो ये टैबलेट नाइसेट का यूजेज है। उसके बाद में टैबलेट मेप्टाल इस्पाज, ठीक है ना, टैबलेट है मेप्टाल इस्पाज, मेप्टाल इस्पाज में है, एब्डोमिनल पेन में दी जाती है, किस में दी जाती है, टैबलेट मेप्टाल इस्पाज में होती है वो एब्डोमिनल पेन में देते हैं। उसके बाद में टैबलेट, ये ऊपर वाला रह गया था ना, टैबलेट डोलो या पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल या डोलो जो पेशेंट को फीवर है या किसको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। टैबलेट एनसेट, टैबलेट एनसेट है टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग, है ना, ये वॉमिटिंग को रोकने के लिए है, वॉमिटिंग, तो ये इमरजेंसी किट के अंदर रहनी चाहिए, फर्स्ट एड किट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट है टैबलेट नोबेल कोल्ड, तो इसमें तो नोबेल कोल्ड सर्दी जुकाम, ठीक है ना, जैसे कि आप कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं, जैसे कहीं घूमने के लिए गोवा गए, ठीक है ना, कहाँ गए, गोवा गए और वहाँ पे आपको सर्दी जुकाम लग गई है, सर्दी है जुकाम है, तो उस कंडीशन में आपको नोबेल कोल्ड टेबलेट साथ में रखना होगा, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में टेबलेट टॉक्स एंड बेडनासोल, ठीक है ना, टेबलेट बेडनासोल होता है, बेड टे नहीं है, बेड बेडनासोल, ये टी की जगह डी कर लेना, ठीक है ना। टेपटॉक्स प्लस बेडनासोल होती है, ये खांसी है, जिस पर्सन को खांसी है या गला बैठ गया है तो उसमें देते हैं, खांसी या गला बैठ गया ना तो उसमें देते हैं टॉक्स प्लस बेडनासोल, ठीक है। उसके बाद में टेबलेट सिटर्जिन, तो ये किसी भी प्रकार की एलर्जी है, इफ़ एनी टाइप ऑफ एलर्जी है, खुजली है, जैसे मधुमक्खी ने किसी ने काट लिया है तो उस स्थिति में ये टेबलेट रखनी होगी। तो ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन है, तो इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर सबसे पहले एंट्रोक्विनोल, एसिलोक, इनो सासेट, टेबलेट नाइसेट, टेबलेट डोलो या पैरासिटामोल, टेबलेट एनसेट, टेबलेट मेप्टाल इस्पाज़म, टेबलेट नोवेल कोल्ड, टेबलेट टॉक्स और बेडनासोल और टेबलेट सिट्रिजिन, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। उसके साथ साथ में ल्यूकोफ्लास्ट या माइक्रोफोल, ठीक है, ल्यूकोफ्लास्ट या माइक्रोफोल जो कोई भी लग गया है तो वहाँ पे उसको लगाने के लिए पट्टी के रूप में बांधने के लिए। दूसरा है डिटॉल, डिटॉल बहुत जगह काम आता है, जैसे कट गया है या कुछ इंजरी को या कोई घाव को क्लीन करना है, तो उसके बाद में दूसरा है बीटाडिन, ठीक है ना, तो ये बीटाडिन है, तो बीटाडिन एक ऑइंटमेंट के रूप में भी आती है, लिक्विड के रूप में भी आती है, तो आपको सूटेबल जो भी है एंटीसेप्टिक क्रीम है तो उसको आप उस हिसाब से रख सकते हैं। सिरिंज या नीडल है, एस्प्रिन टैबलेट है, स्टेथोस्कोप है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है और वेट मशीन है, ठीक है ना। तो ये सब आपके एक इमरजेंसी किट है, उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है एस्प्रिन टैबलेट क्या काम करती है। एस्प्रिन इज़ यूज टू रिड्यूस फीवर, ठीक है ना, ये फीवर को कम करने का काम करती है, साथ साथ में रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ये फीवर को कम करेगी और जो पेन हो रहा है, सीवियर टू पेन
हो रहा है उसको रोकने का काम करेगी। फ्रॉम कंडीशन सेसेज या मसल्स एक, ये जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा था वो किससे हो रहा था, मसल्स एक है या टूथ आच है, मसल्स में दर्द हो रहा है या दांत में दर्द हो रहा है या कॉमन कोल्ड सर्दी खुशी जुकाम है या हेडेक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये दे सकते हैं। इट मे बी यूज टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग इन कंडीशन सेसेज आर्थराइटिस, जो जॉइंट के अंदर, आर्थराइटिस का मतलब क्या हुआ, आर्थो रिलेटेड टू जॉइंट, जॉइंट के अंदर पेन है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट नॉन एज आर्थराइटिस, ठीक है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द, जिस वर्ड के पीछे देखो ITIS लगाया है, इसका इसका मतलब है इन्फ्लामेशन और आर्थो रिलेटेड टू जॉइंट, तो जॉइंट के अंदर पेन होते हैं तो उसमें भी टेबलेट एस्पिरिन दिया जाता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो एंड इज आल्सो नॉन एज सेलिसाइलेट एंड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये जो एस्पिरिन है वो क्या है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ठीक है। तो फर्स्ट एड के अंदर अपन पढ़े कि निम्न प्रकार की सामग्री इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये है, आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी फर्स्ट एड किट होता है, उस फर्स्ट एड किट के अंदर कौन कौन से जो सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपका हिंदी के अंदर भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि क्या क्या फर्स्ट एड के अंदर होना चाहिए, वो सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, धन्यवाद।